क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो आज थोड़ा सा हम ब्रीफली रिकैप कर लेंगे। फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर के अराउंड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड में हम आएंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी स्टेट्स है वो कैसे लैडर के तरह रहते हैं वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और फाइनली हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट एक्सप्लेन करेंगे। सो हियर आर द ब्रीफ टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द प्रीवियस पार्ट एंड देन वी विल गो टू द इम्पॉर्टेंट थ्योरम रिगार्डिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। लैटर वी विल गो टू द लैडर ऑफ एनर्जी स्टेट्स एंड फाइनली वी विल लैंड टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। So, if you can recall that we have lastly defined two operators, हमने दो operator defined किए थे, एक था a plus और एक था a minus, जिसे हमने momentum operator और position operator के एक combination में लिखा था, एक particular combination में लिखा था और इसे हमने बोला था creation और annihilation operator। आज हम क्यों इन दोनों operator को ऐसे बोलते हैं, क्यों creation को creation और एनाहिलेशन ऑपरेटर को ऐसे नाम हमने दिए थे वो आज हम जानने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट लिया है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ईच क्रॉस एम ओमेगा। ये प्योरली आर्बिट्ररी है और ये हमारा ए प्लस और ए माइनस ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन कैसा होगा इसको चेंज करने के लिए पर्टिकुलरली ये कॉन्स्टेंट लिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट लिया है ताकि मेरा जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो आइडेंटिटी आ जाए, पर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपका कम्यूटेशन रिलेशन चेंज हो जाएगा। ओके और एक बात थी, हमने जो पिछले क्लास में किया था, ये मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर ये दो हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, इनके जो आइगन वैल्यूज़ होंगे वो रियल होंगे, पर इनका जो हमने कम्बिनेशन लिया है इससे जो दो ऑपरेटर बने थे ए हैट प्लस और ए हैट माइनस ये दोनों हर्मिशियन नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट इनका जो रिलेशन था वो था ए प्लस का डैगर ए माइनस होता है और ए माइनस का डैगर ए प्लस होता है, तो ये हर्मिशियन नहीं है, ये नॉन हर्मिशियन दो ऑपरेटर है। तो हमने दो हर्मिशियन ऑपरेटर के एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है कि हमें दो नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर मिल जाए। ओके और हमने जिस वे में ए प्लस और ए माइनस को डिफाइन किया है उस हिसाब से ए माइनस और ए प्लस का कम्यूटेशन आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है, ठीक है। तो ये हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस किया था। ओके फाइनली हमारा जो हैमिल्टोनियन स्ट्रक्चर है फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर वो पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमें पता है। यहाँ पे देखने वाली एक बात है कि जो हैमिल्टोनियन है वो दो ऑपरेटर के समेशन में है, पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के समेशन आकार में है, पर अगर हम ए प्लस और ए माइनस के टर्म्स में इसे लिख देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये a प्लस और a माइनस के प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुका है। तो हमने क्या किया था पिछले क्लास में, हैमिल्टोनियन को मोमेंटम और पोजीशन ऑपरेटर पे हम लिख सकते थे ऑलवेज। अब दो ऑपरेटर हमने एक्स्ट्रा डिफाइन किया था p हैट और x हैट से, सच दैट हमें वो हैमिल्टोनियन दो नए ऑपरेटर के प्रोडक्ट के टर्म्स में मिल जाए, ठीक है। ओके अब आ जाते हैं आज के क्लास पे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम एक्सप्लेन करने वाले हैं जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो लैडर थ्योरी है उसे एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करने वाला है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरम दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ए एल्जेब्रिक मेथड। ओके सो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमने बोला है बेसिकली एशाई इज इक्वल्स टू ईशाई अगर होता है, मतलब अगर शाही हमारा आइगन फंक्शन है हैमिल्टोनियन का विथ एनर्जी ई, देन ए प्लस और ए माइनस शाही ये भी एक आइगन फंक्शन होगा सेम हैमिल्टोनियन का बट विथ डिफरेंट एनर्जी, और ये एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। अगर आपने ए प्लस शाही लिया है तो यहाँ पे एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा बढ़ जाएगा, और अगर आपने ए माइनस शाही लिया है तो उसका एनर्जी एसोसिएटेड एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा घट जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि एनर्जी जो है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पे जंप डिस्क्रीट हो रहा है, यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्टेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। ये हम थोड़े देर बाद जब लैडर एनर्जी स्टेट्स में आएंगे तब भी हम देख पाएंगे, पर फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे शाही जो आइगन फंक्शन था उसके लिए एनर्जी ई था,
पर जब हमने ए प्लस और ए माइनस शाई ये स्टेट ले लिया है तब इसके लिए एनर्जी घट सकता है या बढ़ सकता है, पर वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट में, एच क्रॉस ओमेगा यूनिट्स में, ठीक है। तो ये थ्योरम हमें बोल रहा है अगर शाई एच ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन है विद एनर्जी ई, देन ए प्लस और ए माइनस शाई भी हैमिल्टोनियन का, उस सेम हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन होगा, पर एनर्जी आइगन वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, वो ई प्लस और ई माइनस एच क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, जहाँ पे हम इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन ए प्लस शाई और ए माइनस शाई, इसको हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिख दिया है, जहाँ पे हैमिल्टोनियन का स्ट्रक्चर है ए प्लस ए माइनस, ये भी हमने पिछले क्लास पे डिस्कस किया था और डिराइव भी किया था। अब मैंने यहाँ पे इस ए प्लस को ब्लू कलर दे दिया है और यहाँ पे ए प्लस वाइट कलर में ही है, पर दे आर सेम। ओके, और यहाँ पे मैंने एक हेड देना भूल गया हो तो ये आप थोड़ा चेक कर लेना। ओके, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये जो ऑपरेटर था इस ऑपरेटर को यहाँ पे अप्लाई कर दिया सिंपली, तो ए प्लस ए माइनस एज इट इज़ रह गया है, ये ए प्लस शाई यहाँ पे आ चुका है, तो ये फाइनल फॉर्म ले रहा है आपका ए प्लस ए माइनस ए प्लस शाई, और यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर था तो ये इसके ऊपर एक्ट करने पे आ जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस शाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस लेफ्ट में है, यहाँ पे भी ए प्लस एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो हम इन ए प्लस को लेफ्ट में कॉमन ले लेंगे, तो ये ऑपरेटर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया ए प्लस हैट को, फिर हमें मिल जाएगा ए माइनस ए प्लस प्लस हाफ आइडेंटिटी शाई, यहाँ तक हमने काम थोड़ा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें देखना है कि ये स्ट्रक्चर कहाँ पे मैच करता है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा तोड़ देंगे और प्लस हाफ को माइनस हाफ प्लस वन कर देंगे तो अंदर जो पार्ट रह जाएगा ये हैमिल्टोनियन का दूसरा स्ट्रक्चर है, इसे भी हमने पिछले क्लास में डेराइव किया था। ओके, तो मैं लास्ट स्लाइड का जो इक्वेशन है उसे ही नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ए प्लस शाई के ऊपर एक्ट किया था और उससे जो रिजल्ट निकल के आया वो है एच क्रॉस ओमेगा ए प्लस, उसके बाद एक मिडिल में ऑपरेटर है, फिर फाइनली शाई है। अब हम देखेंगे कि इससे कैसे हम दिस इक्वेशन को निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ओके, सो वी विल डिराइव दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस पार्ट, एंड हाउ कैन वी डू दिस दैट आई विल शो यू। सो अब हमें पता है कि हैमिल्टोनियन का जो स्ट्रक्चर है वो है एच क्रॉस ओमेगा ए माइनस ए प्लस माइनस हाफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हम हैमिल्टोनियन को बिठा देंगे तो हमें मिल जाएगा एच हैट बाई एच क्रॉस ओमेगा, ये जो एच क्रॉस ओमेगा है इसे आप नीचे ला सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया एच हैट ओवर एच क्रॉस ओमेगा से। देखिए एच शाई, एच एक्टिंग ऑन शाई, ये आपको ई शाई देने वाला है, ये हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि शाई अगर एच हैट का आइगन फंक्शन है विथ एनर्जी ई तो हम यहाँ पे वो इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एच एक्टिंग ऑन शाई गिव्स यू ई शाई। अब ये शाई को आप कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा ए प्लस एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ पे एच क्रॉस ओमेगा आपका कांस्टेंट था ये अंदर आएगा, तो ई प्लस एच क्रॉस ओमेगा शाई मिल गया है। अब ये क्योंकि आपका कांस्टेंट है ई प्लस एच क्रॉस ओमेगा और ये एक ऑपरेटर है इसीलिए इसे आप इस तरफ ला सकते हैं, तो हमने ये ले लिया, तो फाइनली हमें ये स्ट्रक्चर मिल गया। तो हम जो डिराइव करना चाहते थे वहाँ पे हम फाइनली लैंड कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या था, इनिशियल में ये इक्वेशन था, श्रोडिंगर इक्वेशन था, जहाँ पे हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन शाई गिव्स यू एनर्जी ई, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर शाई एक वेव फंक्शन है तो ए प्लस शाई भी एक वेव फंक्शन होगा, उस सेम हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन होगा विथ एनर्जी ई प्लस एच क्रॉस ओमेगा। तो हमने जैसे यहाँ पे प्लस पकड़ के कैलकुलेशन किया है और देखा है कि एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा बढ़ने वाला है, वैसे सिमिलर मेथड में अगर हम प्रोसीड करेंगे तो ए माइनस शाई के लिए भी हमें ये सेम स्टेटमेंट मिल जाएगा, पर वहाँ पे एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा घट जाएगा। तो ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं और ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो
तो आप देख, सकते हैं कि शाई जो स्टेट था हमारा उसका एनर्जी ई था, पर ए प्लस शाई एक दूसरा स्टेट है जहाँ पे एनर्जी ई प्लस एच क्रॉस ओमेगा हो रहा है। मतलब अगर आप ए प्लस शाई के ऊपर एक्ट कराएंगे तो आपका एनर्जी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होने वाला है, इसीलिए हम ए प्लस को क्रिएशन ऑपरेटर बोलते हैं। और सिमिलर रीजन के लिए जब ए माइनस शाई आप शाई के ऊपर एक्ट करोगे तो आपका एनर्जी लेवल घटने वाला है एच क्रॉस ओमेगा यूनिट्स में, इसीलिए ए माइनस को हम एनाहिलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेट है शाई, ये प्योरली रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेट है शाई विथ एनर्जी ई, उसके ठीक ऊपर है ए प्लस शाई स्टेट विथ एनर्जी ई प्लस एच क्रॉस ओमेगा, और सिमिलरली उसके ऊपर और एक स्टेट है जो ए प्लस शाई के ऊपर फिर से हम ए प्लस अप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा ए प्लस स्क्वायर शाई विथ एनर्जी ई प्लस एच क्रॉस ओमेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है, ई और ई प्लस एच क्रॉस ओमेगा के बीच में कोई स्टेट्स नहीं है, यहाँ पे कोई एनर्जी अलाउड नहीं है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सिमिलरली यहाँ पे जब शाई के ऊपर हम ए माइनस ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे तो हमें एक स्टेट मिल जाएगा ए माइनस शाई जिसका एनर्जी होगा ई माइनस एच क्रॉस ओमेगा, और फिर से आप अगर ए माइनस शाई फिर एक बार आप ऑपरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ई माइनस ट्वाइस एच क्रॉस ओमेगा। यहाँ पे भी वही सेम बात मैं रिपीट करूँगा कि ई और ई माइनस एच क्रॉस ओमेगा के बीच में कोई भी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमें एक नया मेथड मिल गया है जहाँ पे हम शाई के ऊपर वाला स्टेट या मतलब शाई के एसोसिएटेड जो एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी स्टेट या फिर उसके नीचे वाले एनर्जी स्टेट्स को हम कैसे एक नए मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो हमने पिछले वाले ट्रिक्स को अप्लाई किया था वही ट्रिक अगर आप बार बार अप्लाई करेंगे तो आपको हायर एंड हायर और लोअर एंड लोअर एनर्जी स्टेट्स मिल जाएंगे, और ये सिर्फ हायर और हायर या फिर लोअर और लोअर के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, आप चाहे तो सेम स्टेट पे भी लैंड कर सकते हैं। जैसे कि आप शाई पे ए प्लस ऑपरेट किया आपने तो आपको मिल गया ए प्लस शाई, फिर आप इसके ऊपर ए माइनस शाई ऑपरेट करके आप नीचे भी आ सकते हैं। तो अब दिक्कत की बात होती है एक चीज़ कि ये स्टेट्स कितने ऊपर तक जाने वाला है, ये जो एनर्जी का लैडर आप देख रहे हैं ये ठीक कितने ऊपर तक जा सकता है या फिर ये कितने नीचे तक गिर सकता है। तो पहले हम ऊपर तक कितने जा सकता है ये हम नहीं डिस्कस करने वाले, हम पहले देखेंगे नीचे कितने दूर तक जा सकता है। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक रूल है जो हमने पहले पढ़ा था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी होगा वो उसके मिनिमम पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली हार्मोनिक ऑसिलेटर का मिनिमम पोटेंशियल था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इसका एनर्जी जीरो से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होने वाला है। तो ये जो लैडर है ये लैडर का एक मिनिमम बाउंड होने वाला है श्योरली, पर कहाँ तक आएगा ये मिनिमम बाउंड ये हमें अभी तक पता नहीं है। आप समझ लीजिए यहाँ पे एक स्टेट है ई शाई, मतलब शाई स्टेट विद एनर्जी ई, आपने एच क्रॉस ओमेगा घटा दिया तो आपको मिल जाएगा ई माइनस एच क्रॉस ओमेगा, ये शायद पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। फिर आप इससे एच क्रॉस ओमेगा घटा दीजिए फिर भी ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसे घटाते घटाते एक टाइम आ जाएगा जब आप और एक यूनिट एच क्रॉस ओमेगा घटा देंगे तो वो एनर्जी नेगेटिव में आ जाएगा, तो वो स्टेट्स वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। तो फिर लोएस्ट जो एनर्जी स्टेट है उसका एसोसिएटेड वेव फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? वेरी इजी, ए माइनस ऑपरेटर अगर आप ग्राउंड स्टेट के ऊपर एक्ट कराएंगे तो उसके नीचे कोई स्टेट आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट है, उसके नीचे अगर आपको स्टेट मिल जाएगा तो उसका एनर्जी नेगेटिव में चला जाएगा जो पॉसिबल ही नहीं है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, इसीलिए ए माइनस एक्टिंग ऑन शाई जी एस ये हमें जीरो मिलने वाला है। अब ये जो वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ये आपको इजीली मिल जाएगा अगर ए माइनस ऑपरेटर को आपने एक्सप्लिसिटली तोड़ दिया तो। जैसे हमारा ए माइनस ऑपरेटर का डेफिनेशन था अगर आपको याद है प्लस आई पी प्लस एम ओमेगा एक्स, तो वहाँ पे आई पी के जगह पी आप बिठा दीजिए एच क्रॉस बाई आई तो आपको मिल जाएगा एच क्रॉस ओवर डी डी एक्स। तो ये ए माइनस का हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म यहाँ पे बिठा दिया है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस टर्म को सेकेंड टर्म को दाहिने तरफ ले लिया है और ये वन अपॉन स्क्वायर रूट पार्ट वाला जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा डी शाई ओवर डी डी एक्स
इज इक्वल्स टू एम ओमेगा एच क्रॉस एक्स शाई जी एक्स। तो इसे इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, ये स्टेप हमें पता है। इस शाई को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डी शाई जी एस ओवर शाई जी एस। ओके, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा लॉगरिदम ऑफ शाई जी एस, और ये दाहिने तरफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू मिल जाएगा, और ये हमारा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है सी। तो यहाँ से आपको ईजिली शाई जो जी एस है मतलब ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो आपको मिल जाएगा एज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक प्योरली गॉसियन फंक्शन है, ठीक है, और ये ए जो है ये कनेक्टेड है ई टू द पावर सी से। ओके, तो फाइनली हमें क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर मिल गया, पर अभी तक हमें ये नॉर्मलाइज्ड है भी या नहीं ये हमें पता नहीं है। तो बेसिकली हम इस ए को ऐसे चूज करने वाले हैं ताकि ये जो साई जी एस है ये नॉर्मलाइज्ड है। तो फाइनली इस ए का वैल्यू क्या आने वाला है हम ये कैलकुलेट करके देखने वाले हैं यहाँ पर। तो समझ लीजिए कि ये वेव फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, तो इसका मॉड स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन ये आपको 1 देने वाला है। अब इसका एक्सप्लिसिट वैल्यू बिठा दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, मॉड ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल के स्क्वायर आएंगे इसलिए ये 2 नहीं रहने वाला है। फिर क्या, इस इंटीग्रेशन को अगर आप कर लेंगे तो ये ए स्क्वायर स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, और ये जो इंटीग्रेशन है ना ये इंटीग्रेशन आपको ये वैल्यू देने वाला है। कैसे, क्योंकि हमें ये फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स लेंगे, एक अगर क्वाड्रेटिक टर्म और एक लीनियर टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन ये आने वाला है। पर यहाँ पे आपको याद रखना है ये अल्फा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, वरना ये इंटीग्रेशन कभी भी कॉन्वर्ज नहीं करने वाला है। अगर आपका इंटीग्रेशन पे यहाँ पे प्लस अल्फा होगा विथ अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी तो ये इंटीग्रेशन वैलिड नहीं है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए का वैल्यू पाई एच कट बाई एम ओमेगा होल टू द पावर माइनस 1/4। तो फाइनली हमें वेव फंक्शन मिल गया है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है एम ओमेगा ओवर पाई एच कट होल टू द पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एम ओमेगा ट्वाइस एच कट एक्स स्क्वायर। तो इसका जो बेसिक फीचर है वो क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है इस कॉन्स्टेंट का इस वैल्यू के लिए, और ये गॉसियन फंक्शन है, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, इस कुछ प्रॉपर्टी को हमें याद रखना होगा। ओके, अब हम आने वाले हैं ग्राउंड स्टेट के लिए क्या एनर्जी हो सकता है, इनिथ स्टेट के लिए क्या एनर्जी हो सकता है, और इनिथ स्टेट के लिए क्या वेव फंक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम इनिथ स्टेट के लिए एनर्जी और इनिथ स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या होने वाले हैं ये देखने वाले हैं। तो पहले ग्राउंड स्टेट के लिए हम देख लेते हैं कैलकुलेशन करके क्या आता है। तो फिर से वही, अब हम अपने श्रोडिंगर इक्वेशन में आ जाएंगे, एच शाई इज इक्वल्स टू ई शाई में, यहाँ पे एच को हम एक्सप्लिसिटली तोड़ देंगे, फिर से पिछले वाला ट्रिक है। तो यहाँ पे हमने एच को तोड़ दिया है और हमें मिल गया है ए प्लस ए माइनस प्लस हाफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि हम ए माइनस और ए प्लस भी तो पकड़ सकते थे, पकड़ सकते हैं, पर उससे हमें कोई कैलकुलेशनल हेल्प नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो ए माइनस है ये ए माइनस शाई जी एस के ऊपर एक्ट करेगा, तो आपको पता है ये पहले पिछले एक्सप्रेशन से हमें मिला था कि ए माइनस शाई जी एस के ऊपर एक्ट करेगा तो वो जीरो मिलने वाला है, तो ये टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आ जाइए क्या आता है, ये एच क्रॉस ओमेगा अपॉन हाफ के लिए यहाँ पे 2 आ गया है, ये शाई जी एस एज इट इज आ गया है, और ये क्या है, ई जी एस एज इट इज रह गया है, और ये शाई जी एस है। तो यहाँ से हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल गया जो है हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अब आपको लैडर एनर्जी याद है, तो इक्वेशन 5 में हमने डिराइव किया था कि एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा ऐसे टर्म्स में बढ़ने वाले हैं, या फिर एच क्रॉस ओमेगा ऐसे टर्म में घटने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, और एक बात याद रखना, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है, इसके नीचे वाला अगर आपको कोई स्टेट चाहिए तो यहाँ से आपको माइनस एच क्रॉस ओमेगा करना था तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो स्टेट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ग्राउंड स्टेट हमें मिलता है हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो हायर एनर्जी स्टेट सब कैसे निकालेंगे, आपको ग्राउंड स्टेट मिल गया है हाफ एच क्रॉस ओमेगा, अब इसके ऊपर क्या होगा एनर्जी, एच क्रॉस ओमेगा बढ़ने वाला है तो वो आपको मिल जाएगा 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। इसके ठीक ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको फिर से 3/2 के साथ एच क्रॉस ओमेगा ऐड करना है, तो ये आपको मिल जाएगा 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। और ऐसे अगर आप चलते रहें तो इनिथ स्टेट के लिए आपको मिलेगा
एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वेव फंक्शन के लिए। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को मैंने साई जीरो लिखा है। जीरो लिखने का रीजन है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। बेसिकली आप समझ सकते हैं यहाँ पे nth स्टेट के लिए n अपीयर कर रहा है, n इक्वल्स टू जीरो स्टेट के लिए e जीरो अपीयर कर रहा है, तो उसके साथ वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस रखने के लिए हमने साई जी एस को साई जीरो पकड़ा है। अब साई वन स्टेट क्या है, वो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो हमें कैसे मिलने वाला है, हम ए प्लस को साई नॉट के ऊपर एक्ट करवाएंगे। तो ये ए प्लस एक्टिंग ऑन साई नॉट ये हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देने वाला है। पर याद रखना साई जीरो हमारा नॉर्मलाइज्ड स्टेट था, पर नॉट नेसेसरीली ए प्लस साई नॉट भी हमारा नॉर्मलाइज्ड होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हम इन जनरल पकड़ते हैं ये नॉर्मलाइज नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमने एक कांस्टेंट यहाँ पे पहले से बिठा रखा है ए प्लस ए वन, जो हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा, ये हमें बाद में निकालना है। सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले जो स्टेट हमें मिले हैं शाई वन उसके ऊपर फिर से ए प्लस ऑपरेट करवाना पड़ेगा, और हमने फिर से यहाँ पे एक कांस्टेंट बी लेके रखा है। अब इस शाई वन को यहाँ से लेके हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा ए प्लस स्क्वायर शाई नॉट, और ए वन टाइम्स बी इसे हम ए टू पकड़ते हैं। तो ये पूरे फंक्शन का जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ये होगा ए टू। तो ऐसे अगर आप शाई थ्री शाई फोर के लिए निकालेंगे और अप टू nth स्टेट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा ए प्लस टू दी पावर एन शाई नॉट, और यहाँ पे ए एन है उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर आपको निकालना है तो मैंने जैसे पहले बताया था कि आपको ए प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करवाना होगा शाई नॉट के ऊपर, और इन जनरल यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज अभी हमें पता ही नहीं है कि ए प्लस एक्ट करवाने के बाद ये शाई नॉट नॉर्मलाइज रहेगा भी यहाँ नहीं। तो हम पहले ये ए नॉट ए प्लस को तोड़ देते हैं इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर में, तो हमें मिल जाएगा माइनस एच क्रॉस डी डी एक्स एम ओमेगा एक्स ऐसे फॉर्मेट में, और ये हमारा शाई नॉट का एक्सप्रेशन है जहाँ पे आपका फंक्शन होगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर स्ट्रक्चर में। अब इसे हम सिंपली थोड़ा एलजेब्रा कर लेंगे, तो डी डी एक्स अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस फंक्शन के ऊपर तो आपको ये मिल जाएगा, एक लीनियर टर्म आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पहले से एक लीनियर टर्म था और ये माइनस दो मल्टीप्लाई होकर एक प्लस टर्म देने वाला है। इसीलिए हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ साथ एक लीनियर टर्म मल्टीप्लीकेशन में रह जाएगा, ये ऐसे वाला टर्म मिलने वाला है। ठीक है, तो इसे अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको फाइनली मिलेगा ये स्ट्रक्चर, जहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बेसिकली एक्सपोनेंशियल के साथ, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर के साथ एक लीनियर टर्म मल्टीप्लाई है। तो जैसे हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट था वो हमारा एक गॉसियन फंक्शन था, एक सिमेट्रिक फंक्शन था, पर ये एक सिमेट्रिक नहीं है, ये एक एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस स्टेप पे। फाइनली हम इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आने क्या वाला है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो इसे हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा ऐसे वाला कुछ टर्म। हमने इस टोटल टर्म को स्क्वायर किया है और हमें ये सामने कुछ कोफिशियंट्स मिला है और ये इंटीग्रल मुझे मिल गया है। अब ये इंटीग्रल कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा। आप चाहे तो एक्स स्क्वायर को वाई पकड़ के फिर गामा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर बेसिकली रिजल्ट सेम आने वाला है। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर एन है और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर एम है, तो हमारा जो इक्वेशन है वहाँ पे एन भी टू है एम भी टू है। तो अगर आप यहाँ पे बैठा देंगे एम और एन का वैल्यू तो आपको मिल जाएगा गामा थ्री प्लस वन बाई सॉरी टू प्लस वन बाई टू, दैट मीन्स गामा थ्री बाई टू। तो इसे आप फर्दर तोड़ देंगे गामा वन प्लस हाफ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से हाफ गामा हाफ, जहाँ पे गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई होगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक रूट पाई है आपको दिख रहा है। तो ओवरऑल ये कैलकुलेशन आपको देगा वन, मतलब ये पूरा टर्म आपको वन देने वाला है और ये मॉड स्क्वायर जैसा था ऐसे आ जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को नॉर्मलाइज्ड होने के लिए इस ए का वैल्यू वन होना पड़ेगा।